तो आपको प्रैक्टिस चैनल में स्वागत है। मैं संतोष कुमार। एक लड़का ने व्हाट्सएप पे क्या किया था, कमेंट किया था, और उनका नाम है पीयूष झा, है ना। उन्होंने भी हमसे बोले कि सर हमें आप इस मैथ को सोल्व कर दीजिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि लड़के पढ़ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन है, तो आप देखिए, मैं उनके क्वेश्चन में बताता हूँ अभी आपको। उन्होंने भेजा पीयूष झा के नाम से, आई एम पीयूष झा। तो आप प्लीज़ करके सर क्वेश्चन आप इसको बता दीजिए। तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी बच्चे हैं जो मतलब पढ़ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन जो था पीयूष झा के नाम से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, है ना। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नाम था पॉलीनोमियल, जो कि उन्होंने पूछा था। नाइन्थ क्लास के लड़के हैं, नाइन्थ क्लास पीयूष झा जी ने पूछा था। चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल यानी बहुपद, बहुपद का सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन था उनका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर वन बटा टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू यानी कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट नाउ। तो ए उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे अच्छा लगा कि लड़का पढ़ते हैं ना। तो इस तरह से जो जितने बच्चे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, तो आपको सारी वीडियो मिलेगा, तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर हम सभी को हम अपना प्रोवाइड वीडियो देंगे, आप तुरंत आंसर देंगे आपको, है ना। तो पूछिए इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है। तो ए आपका हो गया एल एच एस, ए आपका हो गया एल एच एस, आई आपका हो गया आर एच एस, ठीक है। पहले हमें समझना चाहिए कि जो एल एच एस में जो बोल रहा है यानी एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस थ्री एक्स वाई, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बराबर आ जाएगा इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला। यानी कि आपको इस फॉर्म में अगर ये आ जाता है तो आपका प्रूफ हो जाता है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, यानी अब लिखेंगे यहाँ पे हम आर एच एस, क्या लिखेंगे आर एच एस, किसको उठा गया है वन बटे टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई वाई प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट नाउ। अब यहाँ लग गया फॉर्मूला ए माइनस बी का और स्क्वायर, राइट नाउ। तो यहाँ लग जाएगा बेटा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू का टू ए को हमने क्या माना एक्स, बी को वाई, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स वाई, राइट, टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ लगाएंगे वही फॉर्मूला, तो ए मतलब हो गया वाई, तो यहाँ लिखेंगे वाई का स्क्वायर माइनस जेड का जेड हो गया यानी टू बाई जेड प्लस बी का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड का स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ए हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, इसका मतलब हो गया फॉर्मूला। तो हमने सारा फॉर्मूला सेट कर दिया, क्लियर हो गया पक्का। आगे देखिए, वन बाई टू यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स और एक्स कहाँ एक्स है, एक्स तो होना चाहिए यहाँ पर, एक्स आएगा, ये देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना, जो बी का एक्स आएगा है ना। अब यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई वाई, टू वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर यानी टू जेड का स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस टू एक्स वाई माइनस टू बाई जेड माइनस टू एक्स जेड, राइट नाउ, क्लियर हो गया। अब दो कॉमन समय देखो, दो समय मिल रहा है ना, दो कॉमन ले सकता हूँ, वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर आ जाएगा कॉमन, दो ले लिया हमने, दो हमने कॉमन ले लिया, राइट, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई, राइट ना। अब दो से दो हमारा कट गया, देखो आ गया ना, एक्स प्लस
22 प्लस 8 फिर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माने प्लस z स्क्वायर माइनस xy और a / z आ गया। इसका मतलब प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS राइट। तो ये आपका मैथ प्रूफ हो गया। 29 क्वेश्चन पूछा था, ये अभी पहली क्वेश्चन था उनकी। ठीक है आगे देखिए, कहीं डाउट है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कोई डाउट है तो मैं आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करके तुरंत भेजूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि थोड़ा सा मैं कहीं बिजी रहता हूं। थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पूछो, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने भेजा था पीयूष जी ने। इफ यानी यदि यानी x + y + z = 0 और x का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब - 3xyz = 0 अब यहां पे आ गया ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है, एक क्वेश्चन उन्होंने भेजा था ठीक है। अब क्या होगा कि इसका मतलब फार्मूला होगा क्या, इसका क्या होगा, इसका फार्मूला होता है x + y + z = फिर आ जाएगा x का स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर - xy - yz - zx राइट इसका तो 0 ठीक है। तो इसका मतलब 0 लिखा हुआ है, यहां देख लो 0 है तो 0 इनटू तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx इसका तो 0 तो इसको गुणा कर 0 हो जाएगा तो 0 बराबर 0 यानी कि LHS बराबर RHS क्लियर हो गया। ये दूसरी क्वेश्चन की थी, तीसरी क्वेश्चन है, उन्होंने तीन सवाल पूछा था राइट। कोई डाउट किसी को, आगे देखो क्वेश्चन, कोई डाउट है तो प्लीज एग्जाम पूछिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत रेडी हैं। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था n 27 p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 p। ध्यान दीजिए इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 3 × 3 × 3 गुना p का 3 इसका हो जाएगा 1 × 1 × 1 इसका हो जाएगा 6 × 6 × 6 माइनस 9/2 p का स्क्वायर अपॉन 1/4 p राइट ना, ये हो गया। इसके बाद अब बताइए ये क्यों हुआ, क्यों गुणा करते तो 16 होगा, इसको पूछा था इसको। अब ये हो जाएगा आपका 3p का क्यूब लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए 1/6 का स्क्वायर माइनस 9/2 p का स्क्वायर अपॉन 1/4 p। यहां लगा क्यों बोला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a यहां हो जाएगा a माइनस b का क्यूब राइट क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब a को हम मान लेंगे 3b b को मान लेंगे 1/6 अब इसको उठाकर यहां रख तो 3b माइनस 1/6 तो a था पीयूष जी का क्वेश्चन जो मैंने उनके नाम से वीडियो बनाया। और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी को कि आप हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ठीक है। जब तक नमस्कार।